हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th हायर मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गाइस हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर है, सिद्ध करो टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/13, इसका हमें बताना है टेन इनवर्स 2/9। अगला है गाइस, यहाँ पर दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला मैट्रिक्स है 2xy और ZT प्लस 3 10 माइनस 12 इक्वल टू 3 3 4 और 5 6। यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड तथा टी के लिए इसे हल करना है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस वाई इक्वल टू है 7 2 0 5 तथा एक्स माइनस वाई इक्वल टू है 10 0 3, तो हमें एक्स वाई के मान बताना है। अगला है, यदि एक्स प्लस 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, तब हमें ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6i का मान बताना है। अगला गाइस, हमारे पास यदि ए इक्वल्स टू 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 2 5 1, तब हमें एडजॉइंट ए का याद करना है। अगला गाइस, हमारे पास यहाँ माइनस ए स्क्वायर वी एस सी है, ए वी माइनस बी स्क्वायर सी वी ए सी वी सी और सी स्क्वायर इक्वल, तो हमें सिद्ध करना है 4a² b² c². अगला जो क्वेश्चन है, सिद्ध करो बी प्लस सी अपॉन वी सॉरी बी प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी इक्वल, तो हमें 4abc बताना है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारे पास वो है, सिद्ध करो कि एफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ डॉट आर टेंस टू आर एक ही को रचा दागे। अगला जो क्वेश्चन है, जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात करो यदि एफ एक्स इक्वल टू 8x³ तथा जी एक्स इक्वल टू 1/3 है। यदि एफ जी तथा यहाँ पर है गाइस एच आर से आर तक दिए गए फलन हो, तो सिद्ध करो कि एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। अगला गाइस हमें सिंपल से इस पर गुणा करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाक से और हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिद्ध करो साइन इनवर्स 3y5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 और तो इक्वल्स टू हमें बताना है कॉस इनवर्स 84/85। अगला जो क्वेश्चन है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है 0 से लेकर पाई के बीच है, तो सरलतम रूप में हमें इसे लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि a² 3 4 -2 2 तथा i² 1 0 0 1, तो यहाँ पर a² = है k a - 2i, वो तो हमें k का मान ज्ञात करना है। अगला गाइस, हमारे पास कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 का मान हमें बताना है। अगला है यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन, 1 + y 5 + z 2xy, यहाँ पर इक्वल टू है 6 5 2 8, तो एक्स वाई जेड का मान बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, मान ज्ञात करो d इक्वल टू है 1 1 1 a b c b c c a b। इसके बाद है, यदि एफ एक्स इक्वल टू है x+7 तथा जी एक्स इक्वल टू x-7, एक्स बिलोंग्स टू आर, तब हमें एफ ओ जी 7 का मान ज्ञात करना है। इसके बाद है गाइस, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू है 10 इनवर्स 31/17 में सिद्ध करना है। अगला इसे आप विधि से हल करना है, तो यह है 4x-3y = 3 3x-5y = 7। अगला जो क्वेश्चन से गाइस, यदि ए इक्वल्स टू 1 6 5 7 हो, तो सिद्ध करो ए प्लस ए इनवर्स एक सॉरी ए डैश एक सममित आव्यूह है। इसके बाद मान लीजिए कि ए इक्वल्स टू 1 1 2 3, वी इक्वल्स टू है 5 4 5 6 7 तथा एफ इक्वल टू 1 4 2 5 3 6, तो ए से बी तक एक फलन है, तो सिद्ध करो कि एफ एक 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 ही है। अगला सिद्ध करो कि यहाँ पर है x + y + 2z z z x x + y + 2x x y y x y और यहाँ पे 2y, तो z + x + 2y इक्वल्स टू हमें दिखाना है 2x + y + z की होल पावर 3। अगला गाइस, यहाँ पर यदि एफ डॉट ए आर टेंस टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3 - x³3 की होल पावर 1/3 द्वारा परिभाषित है, तब एफ को एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। अगला है, यदि ए इक्वल टू 3 2 7 5 तथा वी इक्वल टू है 6 7 8 9, तो हमें ए वी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बताना है। अगला का इसे हमें सिद्ध करना है 1 2 सॉरी 1 1 1 ए बी सी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इक्वल टू बताना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है। इसके बाद अगला गाइस, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल टू है 3 4 -2 2 और आई इक्वल टू 1 1 0 0, तो हमें ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 i यहाँ हमें बताना है। तो ध्यान रखें गाइस, हमें दिखाना है ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए -2 i। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चंस, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है छोटे छोटे, उन्हें कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।